वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 24 फरवरी 2020, एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, नाओमी ओसाका के द्वारा यहाँ पर ये पुरस्कार जो है वो यहाँ पर जीता गया है। देखिए यहाँ पर जापान की टेनिस स्टार खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीत दिया है। विश्व के नंबर वन खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग में भी इन्होंने अभी खिताब जीता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जापान भारत और किस देश की नौसेना के बीच पेसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? पेसेज एक्सरसाइज का जो आयोजन है ये किया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट होगा, इंडोनेशिया के द्वारा यहां पर किया गया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में यहां पर नौसेना के बीच में यहां पर पेसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। पेसेज यानी कि यहां पर पेसेज एक्सरसाइज भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना ने 18 फरवरी 2021 को अरब सागर में पेसेज एक्सरसाइज का संचालन किया गया है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और ताकि युद्ध या हमले जैसी स्थिति से निपटा जा सके। तो भारतीय नौसेना जहाज INS कलावरी और यहां पर इंडोनेशियाई नेवी की मिलिट्रियोल कार्बेट KRI बुंग तोमो ने हाल ही में इस अभ्यास में भाग लिया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता और करेंसी है रुपया, इंडोनेशियाई रुपया, और राष्ट्रपति है जोको विडोडो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बासमती चावल के बाद अब किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक को भारतीय जो भौगोलिक टैग है यहाँ पर, जिसको हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, GI टैग के रूप में यहाँ पर जानते हैं, के रूप में पंजीकृत करने का फैसला लिया है? तो ये लिया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ए आपका करेक्ट होगा, पाकिस्तान। हिमालयी गुलाब यहाँ पर गुलाबी नमक जो है इसको यहाँ पर पाकिस्तान का ये नमक है, इसको GI टैग देने की घोषणा की गई है, जिसे आप सेंधा नमक कहते होंगे। ठीक है, इंडिया के अंदर सेंधा नमक होता है और ये व्रत और आदियों के अंदर यूज में लिया जाता है, जो व्रत होते हैं ना उनके अंदर यूज में लिया जाता है। GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के रूप में यहाँ पर समान है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति जैसे यहाँ पर गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। अगर हम यहाँ पर GI टैग की बात करें, सबसे पहले इसे 2003 में दिया गया, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले GI टैग जो है वो यहाँ पर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। पाकिस्तान की बात करें, राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री है इमरान खान और राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। और यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेड यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लाइन सीमा, ये है रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। लोकसभा की 29 सीट्स हैं, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीट्स यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है, यह किया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, केरल के अंदर। शिक्षा और संस्कृति के लिए केरल की विरासत दुनिया में प्रसिद्ध है। केरल के शैक्षणिक क्षेत्र में प्रगति की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है।
केरल के तिरुवनंतपुरम में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस समारोह की अध्यक्षता की है। और केरल की बात करें, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्य न्यायाधीश है यहाँ पर मणि कुमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना को शुरू किया है? सामर्थ्य योजना को शुरू किया है यूपी की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव है वो यहां पर पारित किया गया है। सामर्थ्य योजना मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत जरूरतमंद लोगों को विभिन्न प्रकार के वस्त्र उत्पाद के गुर और उससे जुड़े कार्यों के प्रबंधन में यहाँ पर हुनर सिखाए जा रहे हैं, ताकि लोग वस्त्र उद्योग को यहाँ पर कामों को दक्षतापूर्वक यहाँ पर सीखकर आत्मनिर्भर बन सके। इससे न केवल वैश्विक वस्त्र कारोबार में भारत की व्यवहारिक हिस्सेदारी बढ़ेगी, बल्कि इसका फायदा आम लोगों को भी मिलेगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। यूपी लखनऊ राजधानी है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं यहां पर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर, मिशन चंद्रयान 3 को इसरो के द्वारा कब लॉन्च किया गया जाएगा? यहां पर यह लॉन्च किया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा 2022 में, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट होगा। इसरो के द्वारा चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसे PSLV XL-C11 रॉकेट के द्वारा यहां पर प्रयोग किया गया था। मिशन चंद्रयान 1 के समय इसरो के प्रमुख जो थे वो थे जी माधवन नायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। अगर हम इसरो की बात करें, इसरो जो है इसकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और मुख्यालय इसका बेंगलुरु। स्थापना हुई थी 1969 के अंदर 15 अगस्त को, और इसके संस्थापक है साराभाई और के सिवान जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अगर हम यहां पर बात करें, महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? यह नियुक्त किया गया है ए सीरिया के अंदर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सीरिया एशियाई महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है यहां पर डोमास्कस, करेंसी है यहां पर सीरियाई पाउंड, राष्ट्रपति हैं बुशार अल असद और प्रधानमंत्री हैं हुसैन अरनोस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। द एपिक बैटल ऑफ लोंगे वाला पुस्तक जो है ये लॉन्च हुई है, ये किसके, इसके लेखक कौन है? ये लेखक है भरत कुमार। यहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा, लोक कला उत्सव उत्सवम 2021 किस राज्य में मनाया जा रहा है? यह मनाया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए केरल के अंदर। केरल की समृद्धि और विविध लोक और अनुष्ठानिक कला परंपराओं को जीवित करते हुए यहां पर 7 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव उत्सवम 2021 फरवरी 20 को यहां पर आयोजित किया जा रहा है यहां पर। और इस कार्यक्रम का आयोजन केरल पर्यटन के द्वारा केरल लोक गीत अकादमी, भारत भवन और जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के साथ मिलकर यहां पर किया गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य लोक कला के कलाकारों को एक मंच प्रदान करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। सो गाइज, दिस इज एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके बिल्कुल भी मत भूलना, तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लीजिए।